जहां पर कानपुर पुलिस कमिश्नर ने दिया इस्तीफा। असीम अरुण ने नौकरी से इस्तीफा दिया, तो असीम अरुण ने नौकरी से दिया इस्तीफा। कन्नौज सदर से चुनाव लड़ेंगे कमिश्नर। आईपीएस अफसर असीम अरुण का इस्तीफा बड़ी खबर के गलियारों से। अब कानपुर पुलिस कमिश्नर का इस्तीफा, तो अब कहीं ना कहीं प्रशासनिक सेवा से अब राजनीति की सेवा यानी कि जनसेवक के रूप में अब सामने आएंगे। तो बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे असीम अरुण, ने नौकरी से फिलहाल इस्तीफा दिया। तो कन्नौज सदर से चुनाव लड़ेंगे कमिश्नर आईपीएस अफसर। चुनाव आचार संहिता लागू होने कुछ घंटे बाद ही कानपुर के पुलिस कमिश्नर, पहले पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने स्वैच्छिक सेवा नियुक्त ली है और इसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में कन्नौज किसी सीट से चुनाव लड़कर विधायक बनकर सदन में पहुंचेंगे। आज ही जिस तरह ये आचार संहिता लागू होने कुछ घंटे बाद ही असीम उन्होंने फैसला लिया, जिससे उसकी राजनीतिक गलियारों में अभी भी चर्चा हो रही है कि अचानक एक सीनियर आईपीएस जो कि पुलिस कमिश्नर थे कानपुर के पहले, उनको अचानक से एकदम आचार संहिता लागू हुई। और उसके तत्काल उन्होंने अपने व्हाट्सएप पे लिखा, अपने सोशल मीडिया लोगों को जानकारी दी कि मेरी आस्था नरेंद्र मोदी और माननीय योगी आदित्यनाथ में है, इसलिए मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं। ये लिख करके उन्होंने यहां रिजाइन दिया। उसके बाद से अभी वो लखनऊ में ही कानपुर में आ नहीं पाए, लेकिन जो उनके मिलने वाले शुभचिंतकों से, उनके साथ के जो बैचमेट अधिकारी उनसे बात हुई, उनका ये कहना है कि वो काफी पहले से बीजेपी के प्रति उनके मन में था बीजेपी ज्वाइन करेंगे और कहीं ना कहीं चुनाव लड़ेंगे। दीपक सर, दीक्षित बात समझा कानपुर। तो इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप इन तमाम सारी खबरों को क्वेब पर भी फॉलो करें।